हेलो माइनक्राफ्ट लवर्स, स्वागत है आप लोगों का डू ऑर डाई की एक और एपिसोड में। एंड दिस इज़ द वर्जन 2 ऑफिशियली। इतने दिनों तक अंडर बीटा था, तो अभी ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। एंड थोड़ा सा आप लोगों के क्वेश्चन के मैं जवाब दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, भाई एंडर स्टफ एंड हार्ट को अलग से देने का, जितना मिल रहा है उतने में खुश हो जाओ भाई। अभी के लिए ज़्यादा मत डिमांड करो, बाद में देखूँगा। अगर फ्यूचर में मैं अपनी मॉडपैक बनाऊँगा तो उसमें देखूँगा भाई। इतने ज़्यादा मैंने इस पर काम किया, अभी मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहूँगा। तो सो दैट्स इट। एंड गुड न्यूज़ ये है कि भाई इस सीरीज़ के बाद एक और सीरीज स्टार्ट होगा मॉडेड माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के भाई। उसमें मैकेनिज्म वाले मॉड होने वाला है एंड थोड़े और भी जावा वाले मॉड होने वाला है सिमिलर। एंड अभी मत पूछो न्यू सीरीज़ कब आएगा, तो इसको इन्जॉय करो भाई। भाई क्वालिटी चीज़ें बहुत टाइम लेता है, तो उसका मैं कन्फर्मेशन नहीं बोल सकता, ठीक है। तो अभी मैंने अपने जेट पैक को भी एक्टिव कर दिया है, तो अब हम लोग जाने वाले एडवेंचर के लिए। कॉज भाई वर्जन 2 के न्यू स्ट्रक्चर ऐड हुआ है, ज़्यादा नहीं क्योंकि लैग मैं नहीं करवाना चाहता। तो वर्जन 2 के न्यू स्ट्रक्चर ढूंढते, और मुझे वर्जन 1 के पुराने स्ट्रक्चर देखने को मिल चुका है। ये स्ट्रक्चर बेस्ट है एमरेल के लिए, तो यहाँ पर हमें पूरा एक एमरेल के ब्लॉक मिल जाएगा और अंदर एक स्टार्टर बेस जैसा सिस्टम भी है, तो आप अंदर सर्वाइव भी कर सकते हो अगर फर्स्ट टाइम खेल रहे हो। एंड यहाँ से ओके, और ये दूसरा है एक बैटल टावर जैसा, तो ये एक लंबा सा टावर है वही है इसका आइडेंटिटी। एंड भाई इसमें हमें डायमंड भर भर के मिलता है, और हार्ट कम हो जाए तो फिर से हार्ट कॉन्सेंट्रेटर को यूज़ कर लेना है कॉन्सिस्टर, तो इससे आपके हार्ट वापस मिल जाएगा। एंड यहाँ से ओके, तो मैं यहाँ से डायमंड कलेक्ट कर लेता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा डायमंड मिलने वाला है। ओके, तो मैंने डायमंड 1 स्टैक के आसपास कलेक्ट कर लिया है। एंड आप चलते केप पे। यस, तो यहाँ पे केप में भी डंजन स्पॉन होने वाला है, और ये कौन सा है, ओके ये ज़ॉम्बी टेम्पल है। यस, तो इसमें ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं। एंड अभी ज़ॉम्बी का कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास लव एमुलेट है जो कि ज़ॉम्बी एंड ड्राउनेट को ऑटोमेटिकली मार देता है। एंड ओके, तो इसमें लूट कुछ खास नहीं है। एंड मैं इन्हें जला सकता हूँ क्या, देखता हूँ। मेरे बो पे तो फ्लेम है, एंड आई होप ये फ्लेम से जल जाए। भाई एक बार टेस्ट करके देखने में क्या जाता है। इसमें मार के देखता हूँ, अगर मैं इसमें मारूँगा ओके जला। तो ये फ्लेम से भी जलता है। माइनक्राफ्ट अननोन मिथ, तो आपको क्या पता है माइनक्राफ्ट के अननोन मिथ के बारे में, मिथ नंबर 1। ओके जस्ट किडिंग। तो इस वाले स्ट्रक्चर की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि भाई इस वाले स्ट्रक्चर में हमें मिलेगा क्रीपर हेड, और भाई बहुत सारे क्रीपर एंड TNT, तो थोड़ा बच बच के इसे तोड़ना होगा। अगर एक क्रीपर भी फूट गया तो भाई गया अपना वर्ल्ड। वैसे अगर आप चाहो तो TNT एक्सप्लोरेशन को ऑफ कर सकते हो, और यहाँ पर एक है। यस, तो यहाँ पे स्पॉनर छुपा के भी रखते हैं ये लोग। एंड इस साइड पर भी एक है इस वाले कॉर्नर पर, तो आपको इन दोनों जगह पर आपको हिडन स्पॉनर मिलेगा। एंड एक और स्पॉनर है इसके नीचे। यस, तो इसके नीचे वाले स्पॉनर को भी तोड़ देते हैं। ओके, तो मैंने वहाँ से क्रीपर हेड कलेक्ट कर लिया है, और TNT की कोई ज़रूरत नहीं है फालतू में स्टैक। एंड यहाँ पे इसे जला देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, समॉन। एंड ये अभी तक कम्प्लीटली समॉन नहीं हुआ है, इसकी हेल्थ देखो रिकवर हो रहा है। आई थिंक ये मर के ज़िंदा हो रहा है, इसीलिए ऐसा दिखता है उल्टा हेल्थ इंक्रीज। एंड मेरे पास बस गोल्डन एप्पल है और कुछ नहीं है। अरे यार दिक्कत हो गई, आई थिंक वेदर एमुलेट मुझे वेदर इफेक्ट से बचा सकता है। मेरे पास तो है भी नहीं वेदर एमुलेट, मुझे इसके साथ ऐसी फाइट करना पड़ेगा। वैसे अपने पास इफेक्ट है काफ़ी बढ़िया बढ़िया, तो ये आदमी बचा लेगा भाई। अब हो जाओ क्या, हो गया, कितना टाइम लेता ये। एंड भाई ओके, ये अभी तक कुछ नहीं बोल रहा। ओके अब बोला। भाई मेरी हेल्थ, तो मुझे हार्ट बढ़ा के रखना चाहिए था पहले से ही। एंड जल्दी जल्दी भाई खा लो। ओके गोल्डन एप्पल खा लिया। एंड ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, मेरे 2 गोल्डन एप्पल यूज़ हो चुका है, अभी भी 2 है। इसको ख़त्म करके मैं ट्राई करने वाला हूँ। एंड भाई ये उड़ भी जाता है, एक जगह रुकने में क्या जाता है इसका। भाई ये स्टेज 2 पे आ चुका, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। एंड थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ओके मैं कुछ ज़्यादा नीचे आ गया, अब ऊपर चलते हैं। इसके मदद से हम लोग ब्लॉक पर ट्रैवल तो कर सकते हैं, बट वही सफोकेटेड होकर मरना। ओके तो यहाँ पे आ चुका हूँ, एंड मुझे यहाँ पे अपनी हेल्थ को फुल करना होगा।
एंड भाई किस बात की मुझे डैमेज मिल रहा है ये भी नहीं मालूम। ऑलराइट गाइस, तो मैंने विदर को मार तो दिया है बट रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था। भाई मैंने पॉज करके रखा था और मुझे लगा स्टार्ट है। एंड मैं एक बार क्रिएटिव मोड पे जाने वाला हूँ कॉज ये वाला स्ट्रक्चर ब्लॉक कमेंट ब्लॉक लोड नहीं लिया, तो इसको एक बार मुझे ठीक करना होगा। तो पहले तो इसकी रिपीट वाले ऑप्शन को मुझे चेंज करना है। तो रिपीट से हो गया एम्प्लस और ऑलवेज एक्टिव से नीड रेस्टोन। ओके, अब फिर से इसे वापस सही कर देते हैं, रिपीट एंड ऑलवेज एक्टिव एंड बैक एंड थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, स्पॉन हो चुका है। नाइस, तो अपने यहाँ पे एक डंजन स्पॉन हो चुका है। एंड एक मिनट, ओके ठीक है, जेट पैक एक्टिव हो गया। भाई सर्वाइवल में आने के बाद मैं फ्लाई नहीं कर पा रहा था, कोई बात नहीं, अब चलते हैं इसके अंदर। एंड इसमें मुझे कुछ जाना जाना सा चीज़ दिख रहा है, इसे मैं तोड़ूंगा तो ओके ये अलग है। सिल्वर फिश स्पॉन हो रहा है, तो यानी कि ये कबलस्टोन नहीं मॉन्स्टर कबलस्टोन है। जिन्हें नहीं मालूम मॉन्स्टर कबलस्टोन के बारे में, तो भाई ये वही कबलस्टोन है जिन्हें तोड़ने से सिल्वर फिश निकलता है। ओके, लूट यहाँ पे बढ़िया है, एंडर पर्ल मिल रहा है, नॉट बैड। एंडर पर्ल से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ से एक बार बाहर निकलता हूँ। ओके भाई, ऑनेस्टली बताऊँ ना, ये स्ट्रक्चर मुझे आरएल क्राफ्ट की याद दिला रहा है। एंड भाई ये थोड़ा सा लैगी है, इसीलिए स्ट्रक्चर लोड नहीं हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा लैगी था, इसलिए मैंने थोड़ा सा चीटिंग करके इसे लोड करवाया। एंड यहाँ पे ओके भाई, एंड बुरा मत मानना मैंने यहाँ पे चीटिंग किया, बस पॉकेट एडिशन में कुछ ऐसा ही हो जाता है। एंड इससे मैं फ्री एरो ले सकता हूँ, इन्फिनिटी का मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा वरना मैं ऐसे ही एरो लूटता फिरूँगा। भाई ये वाला रूम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अगर मुझे यहाँ पे टेजर वेजर मिल जाए तो बढ़िया है, बस ऐसे ना हो जाए कि बैरल में सारा कचरा। ओके कचरा ही है। एंड यहाँ पे देखूँ, ओके एंडर पर्ल है, नॉट बैड। एंड अब मैं ऊपर जाने वाला हूँ एंडर स्टाफ की मदद से। मुझे यहाँ से थोड़े से बहुत डायमंड एंड आयरन मिला है, ज़्यादा कुछ नहीं मिला, और वो स्ट्रक्चर मुझे आर एल क्राफ्ट की जैसे वाइब दे रहा था, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है मैंने कभी उस टाइप के स्ट्रक्चर लूटा है आर एल क्राफ्ट पे। आई मीन आर एल क्राफ्ट मतलब जावा एडिशन पोजाब लॉन्चर। एंड थोड़े आगे चलते हैं। ओके एक मिनट, नो भाई ऐसा नहीं कहो, एक मैंने फोटो पे देखा था मॉड्स की। ओके तो यहाँ पे सच में ये वाला घर है। एंड ये वाला कैसल ओके तो ऑलमोस्ट वैसा ही बना है जैसा आर एल क्राफ्ट पे था। यस, तो ओपन एंट्री एंड वीट का ओके, तो बीच में वीट ओपन एंट्री है एंड दोनों साइड पे वीट का मैदान है, तो काफ़ी सही लग रहा है। ओ भाई ये स्ट्रक्चर भी आर एल क्राफ्ट का स्ट्रक्चर है, तो यानी कि हमें आर ए डी मॉड का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। आर ए डी मतलब जो इस मॉड से आर एल क्राफ्ट में डंजन स्पॉन होते हैं वही उस मॉड का नाम है, तो वही मॉड से आई थिंक इंस्पायर होकर बनाया है। तो काफ़ी बढ़िया है, तो सीजन टू में हम लोग आर एल क्राफ्ट वाले स्ट्रक्चर लूट रहे हैं। ओके तो ये चीज़ नहीं था, यहाँ पे सैंड एंड ग्रेवल की एक ट्रैप था। एंड यहाँ पे ओके सेम ही है, अगर मैं गलत ना हूँ तो यहाँ पे एक ट्रेजर रूम होना चाहिए। इस वाले रूम पे आते हैं एंड इसको तोड़ते हैं। ओके यहाँ पे स्पॉनर है तो पक्का यहीं पे होना चाहिए। एंड अंदर चलते हैं। व्हाट द हैक भाई, यहाँ पे ट्रेजर वाला रूम नहीं है। ओ भाई साहब, यहाँ पे ट्रेजर वाला रूम होना चाहिए था, मैं गलत नहीं तो हूँ, यानी कि यहाँ पे ट्रेजर वाला रूम को ऐड ही नहीं किया गया है। हाँ इस जगह पे होता था ट्रेजर वाला रूम, एंड इसके जगह ये है जॉम्बी स्पॉनर, और यहाँ पे एक प्लेजर की स्पॉनर भी होता था तो वो भी नहीं है। वैसे स्केलेटन स्पॉनर आर एल क्राफ्ट पे हमेशा कॉमन होते हैं भाई, स्केलेटन स्पॉनर आपको कहीं पे भी मिल जाएगा आर एल क्राफ्ट पे। एंड ठीक है, अब यहाँ पे चलते देखते क्या है नीचे। तो यहाँ पर है स्टैंड सैंड एंड ग्रेवल वाला ट्रैप, और इधर जॉम्बी है, जॉम्बी से डरने की कोई बात नहीं है। ये देखो ये ऑटोमेटिकली मर जाएगा क्योंकि अपने पास है लव एमुलेट, लव एमुलेट बहुत पावरफुल चीज़ है भाई।
यानी से तोड़ो। भाई किसने बोला है पाउडर स्नो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, हाथ से तोड़ सकता हूँ वहाँ से। एंड ओके तो ये इस जगह पे मुझे थोड़ा संभाल के तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर एक भी लैडर टूटा तो यहाँ पे सैंड गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ओके आई थिंक यहाँ पे कुछ नहीं है, ओ मैंने गलती से तोड़ ही दिया। ओके जल्दी से गोल्ड उठा लो, अब यहाँ पर साइड हो जाते हैं। एंड ठीक है ग्लिच की वजह से ये सही से काम नहीं किया भाई, वरना मैं सैंड पे स्टक हो सकता था। ओके नाइस, ओके ये भी है अंडरग्राउंड एग्जिट। एंड ये वाला चीज़ नहीं था ऊपर जाने का रास्ता। ओके तो यहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता भी है, एंड अगर थोड़ा सा ऊपर जाऊँ तो ओ ये किले का रूम है, एंड ऊपर पानी भी है। तो लैडर तोड़ने की गलती तो मैं नहीं करने वाला। ओके गाइस तो ऊपर मैंने स्ट्रक्चर तो ढूंढ लिया, काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर था फ्लाइंग कैसल। एंड अब नीचे जाने का टाइम आ चुका है, तो एक बार नीचे चलते हैं। मुझे थोड़े और क्रीपर वाले स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, एंड देखते हैं यहाँ पे क्रीपर वाले स्ट्रक्चर और है या नहीं। ओके तो यहाँ पे मुझे एक बार न्यू स्ट्रक्चर मिल चुका है, एंड ये भी थोड़ा अजीब है वैसे इसको तो आर्ट ग्राफ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कॉपर ब्लॉक है, तब कॉपर और भी नहीं था ऑफिशियल वाले। तो यहाँ पे नीचे चलते हैं, एंड ओके इसके नीचे भी एक और रूम है, एंड अगर नीचे जाऊँ तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कॉपर वाले काम किया गया है, बस यहाँ पे एक कॉपर गोलम हो जाता तो मज़ा आ जाता। एंड इसको ऐसे एक्टिव कर देते। ओके लाइट का है ये, मुझे लगा कोई सीक्रेट डोर होगा। तो इसको सबको ऑन ही कर देते हम। एंड नीचे जाने का एक और रास्ता, ओके कुछ नहीं है ना, नहीं अंदर गया तो ओके फाका है, खाली है, कुछ नहीं है। एंड यहाँ से एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं पे कोई भी ट्रैप हो या नहीं। ओके लूट ठीक है, नॉट बैड है, उतना अच्छा नहीं है। एंड अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। ओके तो अब मुझे यहाँ से डायरेक्ट मेरे घर जाना है, ये स्टोन काफ़ी बढ़िया है, यहाँ से इस मैं सीधा अपने घर जा सकता हूँ। एंड ओके बहुत टाइम के बाद फाइनली अपने घर पर आ चुका हूँ, होम स्वीट होम भाई घर पे नहीं आया तो मज़ा नहीं आता। एंड अब मुझे एक चीज़ बनाना है, तो ये है एक्सपी ड्रेन। तो मुझे दो चीज़ बनाना था, आप लेवल सर्च मारोगे तो आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएगा। एंड एक पे हम लोग एक्सपी ले सकते हैं, एंड एक पे हम लोग एक्सपी दे सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है, जैसे 4x4 अपनी एक्सपी को स्टोर करता था, तो हम लोग भी सेम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो बस हमें इसके ऊपर खड़े रहना है, अपना एक्सपी ऑटोमेटिकली यहाँ से स्टोर होते रह जाएगा। तो ये ड्रेन है, एंड ये है इन्फ्यूज़र टाइप की कुछ, तो इसमें अपने को खड़े होना है, एंड अपने को वापस से एक्सपी मिल जाएगा। यस तो इससे हमें एक्सपी लेना है, एंड इस साइड पे हमें एक्सपी देना है। तो हम लोग जितनी भी एक्सपी स्टोर करेंगे तो वो इन्फ्यूज़र पे जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग 30 XP स्टोर करके 10 XP स्टोर करेंगे तो हमें टोटल 40 XP मिलेगा। यस तो यहाँ पे एक XP ग्लिच भी कर सकते हैं हम लोग इन्फोनाइट के लिए। बाकी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है भाई, मैं इतने ज़्यादा XP खोना नहीं चाहता, तो इसीलिए मैं इन्हें सेव करना चाहता हूँ। एंड ओके मैग्मा वाला शील्ड बना लेता हूँ, आयरन शील्ड सही नहीं दिखेगा। एंड इनके होल्डिंग वाले टेक्सचर थोड़ा अलग है, अगर हाथ में लोगे तो टेक्सचर सही दिखेगा। एंड इन्वेंटरी में नॉर्मल शील्ड का ही दिखेगा, ये बेडरॉक की थोड़ी लिमिटेशन है। ऑलराइट गाइस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल हम लोग करेंगे इंजीनियरिंग वाला काम, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अड़ा अड़ा सा या फिर वाई।